नेक्स्ट है आपके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, ठीक है। टॉपिक लिखते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, ठीक है। अब पिगमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं? पिगमेंट्स हम लोग नाम देते हैं, आपके पास जो है ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बेसिकली लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं इनविजिबल स्पेक्ट्रम, ठीक है। पिगमेंट्स बेसिकली क्या है आपके पास? मॉलिक्यूल्स डेट अब्जॉर्ब लाइट इन विजिबल स्पेक्ट्रम, ठीक है। उन्हें हम लोग नाम देते हैं कि ये आपके पास क्या है, पिगमेंट्स हैं, ठीक है। तो पिगमेंट्स का बेसिकली काम क्या है? लाइट की एब्जॉर्प्शन करना। अब जो है लाइट तभी काम कर सकती है जब वो एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है, हम लोगों ने बात की थी कि जो आपके पास फोटोसिंथेसिस का सारा प्रोसेस होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा होता है। तो इसका मतलब है क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऐसे पिगमेंट्स होते हैं, डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं जो कि बेसिकली क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। यानी कि विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर हेल्प करते हैं इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट होने में इंटू केमिकल एनर्जी। यानी कि लाइट जब तक एब्जॉर्ब नहीं होगी वो फोटोसिंथेसिस जो है वो परफॉर्म नहीं होगी। अच्छा जी, तो आपके पास जो पिगमेंट्स होते हैं ये बेसिकली विजिबल लाइट को जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। अब विजिबल लाइट की जो आपके पास रेंज होती है वो आपके पास होती है 380 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर वेवलेंथ तक, ठीक है। तो आपके पास जो है इस वेवलेंथ के अंदर जो है डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप इस तरह से देखो जो आपके पास विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, यहाँ पे आपके पास जो होता है वो रेड कलर आ रहा होता है बिल्कुल एंड पे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास वॉयलेट आ रहा होता है, ठीक है, ब्लू आ रहा होता है, ठीक है। इस तरह से जो है वो आगे जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, लाइक इधर ग्रीन आ रहा होता है, ठीक है, इधर पहले ग्रीन आ रहा होता है फिर येलो आ रहा होता है, इस तरह से जो है वो करते करते ऑरेंज की तरफ चला जाता है, रेड की तरफ चला जाता है, 3 4 5 6 तकरीबन 7 कलर्स होते हैं। तो इस तरह से जो है वो आपके पास अपेयर होता है, यहाँ पे मैंने 6 लिखे हैं, तकरीबन आपके पास 7 कलर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो उनकी हर एक की जो वेवलेंथ है वो आपके पास डिफरेंट होती है। इससे आगे की वेवलेंथ जो है, यानी कि ये एक्सट्रीम जो है ये आपके पास है 750 नैनोमीटर, जो आपके पास लीस्ट है वो आपके पास है 380 नैनोमीटर, ठीक है। तो इतने इसे को हम लोग कहते हैं ये आपके पास है विजिबल स्पेक्ट्रम। इससे आगे चले जाएंगे तो आपके पास इंफ्रारेड रेडिएशन आ जाती हैं, इंफ्रा रेड रेडिएशन आ जाती हैं। इससे कम वाली जो होती हैं वो आपके पास अल्ट्रा वायलेट आ जाती हैं, यूवी, ठीक है, यूवी लाइट, नाम से ही पता चल रहा है इंफ्रा रेड, यानी कि रेड के बाद आने वाली इंफ्रा रेड। इसी तरह से यूवी अल्ट्रा वॉयलेट, यानी कि वॉयलेट से पहले आने वाली, ठीक है। तो इसकी वेवलेंथ जो है इससे कम होगी, इनकी वेवलेंथ जो है इससे ज़्यादा होगी। ये दरमियान वाली सारी की सारी जो है वो विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर जो है वो फॉल करती है, ठीक है। तो बेसिकली पिगमेंट्स कौन से होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स जो इस विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर की लाइट जो है उसको अब्जॉर्ब करते हैं। अगर हम लोग बात करें प्लांट पिगमेंट्स की, प्लांट पिगमेंट्स, ठीक है, तो उन्हें हम जो है वो दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। एक आपके पास होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, दूसरे आपके पास होते हैं प्रोटेक्टिव पिगमेंट, ठीक है। अब जारी बात है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन से होंगे जो फोटोसिंथेसिस के अंदर काम कर रहे होंगे? लाइक आपके पास आ जाता है क्लोरोफिल, और इसी तरह से आपके पास आ जाते हैं कैरेटिनॉइड्स, ठीक है। ये सारे के सारे आपके पास आ जाते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में। जैसे क्लोरोफिल के आगे दो टाइप्स उन्होंने दी हुई हैं, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, लाइक ए बी सी डी तक चले जाते हैं, लेकिन जो मेजरली हम लोग प्लांट्स के अंदर डिस्कस करते हैं वो आपके पास दो जो है इसकी टाइप्स हैं। एक आपके पास है क्लोरोफिल ए और दूसरा आपके पास है क्लोरोफिल बी, ठीक है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, ठीक है। इसी तरह से आपके पास जो है वो कैरोटीनॉइड्स की टाइप्स आ जाती हैं, लाइक हम लोग बात करते हैं आपके पास आ जाते हैं कैरोटीन्स, और इसी तरह से आपके पास हो जाते हैं ज़ैंथोफिल्स, ठीक है। कैरोटीन्स जो होते हैं ये बेसिकली आपके पास ऑरेंज टू रेड इन कलर होते हैं, ज़ैंथोफिल्स आपके पास येलो इन कलर होते हैं। इसी तरह से क्लोरोफिल ए जो है ये आपके पास डार्क है, यानी कि आप कह सकते हो कि आपके पास ब्लैकिश और ब्लूइश ग्रीन कलर है, और क्लोरोफिल बी जो है ये आपके पास
येलो ग्रीन कलर है, ठीक है। इनके अंदर स्लाइट सा डिफरेंस आता है जो कि बेसिकली इनकी एब्जॉर्प्शन जो है उसको डिफरेंट कर देता है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि एक लार्ज रेंज के अंदर जो है वो पिगमेंट्स जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास प्रोटेक्टिव पिगमेंट्स आ जाते हैं, लाइक आपके पास एंथ्रोसायनिन्स आ जाते हैं, जिनका काम क्या होता है बेसिकली लाइट को जो है एब्जॉर्ब करना, और उससे फोटोसिंथेसिस नहीं करते, एक्स्ट्रा लाइट जो है उसे हीट की फॉर्म में जो है वो डिसिपेट कर देते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा लाइट को जो है वो डिसिपेट करते हैं इन फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। ऐसे पिगमेंट्स को हम लोग नाम देते हैं, ये आपके पास क्या है, प्रोटेक्टिव पिगमेंट्स, ठीक है। अब किसी भी पिगमेंट की अगर आपने एब्जॉर्प्शन पता लगानी हो कि इसकी एब्जॉर्प्शन क्या है, तो हम लोग लगाते हैं बाय इंस्ट्रूमेंट नॉन एज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है। अब इससे क्या होता है, आप कोई भी पिगमेंट, आप कोई भी एक्सट्रैक्ट बनाते हो किसी चीज़ का, और उसके ऊपर जो है एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट जो है वो डालते हो, फिर आप ऑब्जर्व करते हो कि कितनी लाइट जो है इसने एब्जॉर्ब की है और कितनी रिफ्लेक्ट बैक हुई है, ठीक है। तो उस बेसिस पे हम लोग पता लगाते हैं कि ये जो सर्टेन पिगमेंट है ये कौन सी वेवलेंथ की लाइट जो है उसको ऑब्जॉर्व कर रहा है, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे आप डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट जो है वो उसको सेट कर सकते हो, और वो जो है उस वेवलेंथ की लाइट जो है उस टारगेट ऑब्जेक्ट के ऊपर, टारगेट पिगमेंट के ऊपर जो है वो गिराता है, और आपको एब्जॉर्प्शन से पता चल जाता है कि ये वाला पिगमेंट जो है इस लाइट को एब्जॉर्ब करता है या नहीं करता, किस हद तक करता है, ठीक है। उसकी वजह से जो आपके पास ग्राफ आते हैं उसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये आगे जाके हम लोग जो है इसे डिटेल में भी पढ़ेंगे कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है और एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है। हम लोग कहते हैं विजिबल लाइट के अंदर जो है वो विजिबल जो स्पेक्ट्रम है उसके अंदर जहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब हुई है उस जगह को हम लोग दे नाम दे देते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये पिगमेंट्स आ जाते हैं।